फ्रेंड्स, टुडे वी विल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द क्वेश्चन सेज दैट रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स और मदर की एज हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। एक्स प्लस 26। नाउ आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी, रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और मदर की एज हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 ऑलरेडी थी प्लस 3 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 29 इयर्स। नाउ 3 साल बाद रोहन की एज एक्स प्लस 3 और मदर की एज एक्स प्लस 29। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स के बाद उनकी प्रोडक्ट एज का वो है 360 के इक्वल। सो अपने पास क्या एज है उनकी, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। फर्दर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 32x, दोनों का ऐड कर दिया सो 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360। 360 को लेफ्ट हैंड साइड लिया। फर्दर व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यूज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। फैक्टराइजेशन मेथड सो 273 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। 39 और 7 उसके फैक्टर हो जाएंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 39 एंड माइनस 7 कॉमन लिया तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 39 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आएंगी माइनस 39 एंड 7, बट नेगेटिव वैल्यू कंसिडर्ड नहीं होगी बिकॉज एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए कंसिडर्ड होगी एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू 7 आ गई सो रोहन की एज हो जाएगी, रोहन्स एज इज इक्वल टू 7 इयर्स बिकॉज एक्स लिया था रोहन की एज, और मदर्स की एज हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 था तो x की जगह 7 पुट कर देंगे, 7 प्लस 26 विच इज इक्वल टू 33 इयर्स। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।